बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इससे आपने एक सबक ये लेना है कि अपने घर में माओ बहनों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी इंसान जो है वो इत्तबार के काबिल नहीं है। जैसे कि आप वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक लड़की आप देख सकते हैं कि वो घर में बैठे क्या कर रही है, ये अपने मुँह से मैं बयान भी नहीं कर सकता, तो बस थोड़ा एहतियात कीजिए। अगर ये नेट जो मोबाइल जब आ गया ना, इसकी वजह से हमारे बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, तो थोड़ा एहतियात किया करें। और लड़कियों को भी मैं मैसेज दूंगा कि ये जो आप लोग करते हैं ये बॉयफ्रेंड के कहने पे और ये हरकतें ना किया करें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फिर आपकी ये वीडियो लीक करनी होती है, जैसा कि अब ये वीडियो लीक हो चुकी है। और बदनाम कौन हो रहा है? ये औरतें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे मैसेज अच्छा लगा होगा। मैसेज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब और आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। और जो बंदा अभी फेसबुक में देख रहा है तो लिंक मैंने यूट्यूब का दिया हुआ है, उस पर जाके देखें। मैं आपको इससे फुल वीडियो वहाँ पर मौजूद है इस वीडियो की, तो आपको फुल वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको व्लॉग दिखा देता हूँ कि आज मैं घर पे जो आया हूँ, आपको बता दूँ कि शटरिंग जो है हमारे घर की उतर चुकी है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, छत माशाल्लाह से बहुत साफ़ आई है, सारी शटरिंग उतर चुकी है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। मैं पोर्च में आ चुका हूँ, पोर्च की सीढ़ी आप देख सकते हैं, ऊपर छत जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से अभी जो शटरिंग वाले थे अपना सामान अभी छोड़ के चले गए हैं, बस उतारा है उन्होंने, अपना सारा सामान इधर रख दिया उन्होंने। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अंदर से देख लें, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है। तो अभी ये हमारा टीवी लॉन्च है, काफ़ी खुला अब हो गया। और वहाँ से आपको देख रहे हैं कोने में मैंने एक वेंटिलेशन का ऑप्शन छोड़ा हुआ है, और सामने जो है ये सामने आप देख सकते हैं, ये मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है टीवी लॉन्च का। यहाँ पर दो निशे हैं, दरमियान में टीवी के लिए जगह छोड़ी है, मतलब एलसीडी जो लगेगी। यहाँ पर सामने रूम है, और रूम में एक डॉगी बैठा हुआ है, आराम कर रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी ये जगह इसके लिए सूटेबल है, ठंडी भी है गर्मियों में, तो इन जानवरों के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसलिए हम इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। एक कमरा ये भी है। किचन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जगह कम है और किचन में वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, आप देख लें। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा 2 फुट जो है वो डाउन किया हुआ है, और बाकी पूरी छत रखी हुई है, तो वहाँ से वेंटिलेशन भी हो जाएगी और नीचे से हमें स्पेस भी सारी मिल जाएगी। करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।